नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी की ईडी द्वारा की जा रही वैसी पूछताछ के संदर्भ में आज वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा भाजपा विरोधी तथा संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे हमले के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस द्वारा कई कार्यकर्ताओं की अटकायत की गई। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी की दिल्ली में ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ का विरोध करते हुए आज समग्र गुजरात भर में कांग्रेस द्वारा विरोध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी की ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल ये केस अंतर्गत सोनिया गांधी जमानत पर मुक्त है, तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस की अग्रणी सोनिया गांधी की पूछताछ ईडी द्वारा करने के संदर्भ में आज वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा शहर के सयाजीगंज डेरी डेन सर्कल के पास विरोध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली में एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट द्वारा कांग्रेस की अग्रणी सोनिया गांधी की पूछताछ के विरोध में कार्यक्रम का आयोजन करते हुए कांग्रेस के प्रमुख पृथ्वी जोशी सहित कांग्रेस अग्रणी कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा खिलाफ सूत्रोच्चार लगाने के साथ भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे हमले अंतर्गत भाजपा द्वारा कहीं न कहीं कांग्रेस की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। वैसे गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार पर भी कई तीखे प्रहार किए गए, जो ये कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यक्रम के तहत भारी सूत्रोच्चार लगाते हुए बाद पुलिस ने रोक लगाते हुए प्रमुख सहित 20 जितने कार्यकर्ताओं की अटकायत की थी, जिसको लेकर एक वक्त के लिए पुलिस तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच खींचातानी और घर्षण के दृश्य भी घटित हुए थे। संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमला हो रहा है और सभी संवैधानिक संस्था केंद्र की भाजपा सरकार ने सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा ले लिया है। कांग्रेस के हमारे नेता महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो गब्बर सिंह टैक्स गलत जीएसटी लगाया उसके खिलाफ बोल रहे हैं। देश में आप देखिए कि कायदा और व्यवस्था अभी सही सलामत नहीं रहे, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल जी और गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर साहब जब भी भाजपा के खिलाफ यानी जनता के मुद्दे को उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी को आगे करती है, सीबीआई को आगे करती है, आईटी को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है और कांग्रेस के नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश होती है। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, हम महात्मा गांधी के सिपाही है। आज वडोदरा शहर कांग्रेस ने यहाँ पे जो गुजरात में लट्ठा कांड हुआ, गुजरात सरकार में जो लट्ठा कांड हुआ और लट्ठा कांड में 31 से ज्यादा लोग मारे गए, 40 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती है, गुजरात सरकार लट्ठा कांड के लिए जिम्मेदार है और लट्ठा कांड में जिन लोगों ने अपनी जान घुमाई है उनके लिए हमने शुरुआत में पहले 2 मिनट का मौन रखा और फिर हमने हमारा ये कार्यक्रम शुरू किया। गुजरात में लट्ठा कांड में 31 करता वधारे लोगों ने पोतानो जीव गुमाव्यो, झेरी दारू पीने, आ गुजरात सरकार ने नाक नीचे दारू नो धंधो थाय छे, तो विचार करो। आ राज्य ना गृहमंत्री ए राजीनामा आपवू जोईए। वडोदरा मेयर ना वोर्ड में दूषित